और लगातार फोन आने लग रहे हैं और स्वागत भी करेंगे। कासे से ही फोन आ रहा है, पूरा गांव स्वागत करेगा। शिलानी में भी मेन रोड पर जो अपने जो बढ़िया अच्छे जो पहले जो आने पार्टी समर्थक रहे हैं वो भी, क्योंकि सब बदलाव चाहते हैं जी, सारी पार्टियां देख ली, सब देख लिया। अब जी आप लोगों के हाथ में है, आपने क्या तय करना है। अगर आप साथ हो तो मैं नामांकन भर दूंगा, नहीं तो जी अपने घर बैठिए। ठीक है जी, अगर आप साथ हो ना तो मैं नामांकन भर दूंगा। अगर आप लोगों के भाई पर हैं अगली बार देख लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम टाइम मांगेंगे, टिकट भेज देंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है, अगर आप साथ होंगे ना जोर शोर से लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजीत कर्म का है सब कुछ, टिकट भी कर्म की, सब कुछ कर्म का है, जो भी होगा नसीब में मिलेगा, जिसका भी होगा वहाँ होगा भी। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों का सहयोग जो है वो जरूरी है, क्योंकि जो माननीय केजरीवाल जी ने जो इतना एक जो छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और इस गाँव राम की जो है एक तरीके से सम्मान करा ना, तो आप लोगों को भी जो है ना मेरे साथ टिकट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि छोटी टिकट ना जी नेशनल तीन पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और आने वाला जो समय है ना जी वो आम आदमी पार्टी का है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी पिछले दो महीने से जेल में है, दो तीन बार बाहर भी आ जाएंगे, और मेरे को स्पेशल ये भी बोला गया है सुनीता केजरीवाल के द्वारा कि बादरी विधानसभा के अंदर रोड शो करके जाएंगे केजरीवाल जी दबाएंगे और पूरे तरीके से मान सम्मान करके जाएंगे। तो जी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है ना नॉमिनेशन है आज, तो आप लोग पढ़ चढ़कर जो भी साधन है जो भी कुछ है ना आप ले गए अपने वहां से प्लॉट के वहां से स्टार्ट करेंगे सारे, और अपने बाद विधानसभा में जाओगे। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा ही समय लेंगे क्योंकि लास्ट दिन है जी। तो मेरा जी आप लोगों से निवेदन है सारे के सारे और भी जितने भी अपने है ना सब इकट्ठे करके आप नॉमिनेशन कर पहुंचे। अगर आपके हम ही होते जी हाथ आके मैं आशीर्वाद दे दूँ। धन्यवाद। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा हैप्पी भाई का माला पहने का मान सम्मान करें और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं एक एक करके भाई का मान सम्मान करें, माला पहना करें। आप सभी के बीच एक जरूरी सूचना है, हमारे जो सरपंच हैं जीते प्रधान जी इनका भी माला पहनकर स्वागत किया जाए। अवधि और अरेंद्र भाई ने 5100 रुपए देकर अभी भाई का मान सम्मान बढ़ाया है, एक बात के जोरदार तालियां हो जाए।
हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो आदमी होता है पार्टी टिकट के लिए सारी उम्र तरसता रहता है, उनका दिल नसीब नहीं होता। दुर्भाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने टिकट आने के बावजूद उल्टी कर दी, पार्टी पर तमाशा मारा है। ये जो हम पार्टी उनको आम आदमी पार्टी से पता निकाली है शिवम पांडवाल जी, ये अपनी भाग्यवान सम्मान करेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात को बीच में रखते हुए दोबारा कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य है उनका जिन्होंने पार्टी की टिकट मिलने के बावजूद भी चुनाव नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि जिक्र है वहां चुनाव में गुलिया का, और उन्होंने जो है बीजेपी पार्टी छोड़ के इसमें आए थे, और ये जो सौभाग्य मिला आपके गांव को बहुत ही खुशी की बात है। हम सब का सहयोग बनता है, ज्यादा से ज्यादा मिलकर भाई का सहयोग करें। और जो एक बात अभी भाई ने बताई, अच्छा काम बनेगा, लेकिन हमें आप लोगों का सहयोग की जरूरत है। आपके सहयोग के बगैर वो काम मुश्किल है जो हम चाहते हैं। अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो हम हर मुश्किल को आसान कर देंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, जैसे कि आपकी भाई ने बताया, किसी भी चुनाव में जीतने के लिए शामिल होना पड़ता है, जीत की एक होती है लेकिन बाकी को भविष्य के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैं आम आदमी पार्टी के बलों अध्यक्ष होने के नाते आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई तो चिंता करने वाली बात नहीं है, अगली टिकट भी भाई एमपी की होगी। और ये पूरे गांव के लिए खुशी का माहौल है, खुशी की लहर है। कम समय में ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा ज्यादा बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग करना है। निर्दलीय में और पार्टी की टिकट में 10-10 वोटों का फर्क होता है। एक बंदा दे 0 से चले और एक बंदा दे 10+ चले, तो ये हमारे बहुत खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी की भाई को टिकट मिली है, और हम सब भाई का सहयोग करें। धन्यवाद। शिवम भारद्वाज को आमंत्रित करना चाहूंगा, ये अपने विचार रखेंगे, पार्टी के पदाधिकारी हैं। धन्यवाद। सारी पंचायत को पहले तो मेरे नाम ना, मैं शिवम भारद्वाज जिला अध्यक्ष सोशल मीडिया आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा भाई, ये टिकट हैप्पी भाई को नहीं पूरे गांव को नहीं, तो आपने अपना खुद का सहयोग करना है। जो आम आदमी पार्टी है हमारी, ये शिक्षा स्वास्थ्य आम जनमानस का काम करती है। शिक्षित उम्मीदवार है हमारे सारे पढ़े लिखे, जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सब पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़ा लिखा नेता होगा वो सबसे पहले तो अच्छा काम करेगा बच्चों के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य दवाई फ्री। और इतना बोलना चाहूंगा मैं, ये भाई की जीत नहीं, आप सब गांव वालों की जीत होगी, पूरे हल्के की जीत होगी। विधायक आप लोग बढ़ेंगे, भाई नहीं बढ़ेगा। सही कह रहा हूँ भाई साहब? हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का। तो मैं एक बार चाहूंगा पूरा गाँव एक बार हाथ उठा के भाई का समर्थन में, भारत माता की जय। धन्यवाद भाई। आप गुंजारिश करना, कोई भाई अपने विचार रखना चाहे तो यहाँ पर आगे अपने विचार रख सकता है, फिर चलने की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। तो 11 बजे आप
आप लेंगे और ठीक है।